नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। मैंने कल आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों से वह सॉल्व हो गया होगा। अगर जिस किसी ने अभी तक उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है, तो पहले वो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले, फिर इस वीडियो को देखें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर के PDF का लिंक दे रखा है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम उस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में जनजाति प्रतिशत है। ऑप्शन है 6.2%, बी है 8.2%, सी है 30.6%, डी है 12.82%। तो इसका सही आंसर क्या है? 30.6%, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है? मतलब आपको बताना था, नीचे कुछ जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है। पहला है उर्राव, दूसरा है बैगा, तीसरा है कोरकू, चौथा है कमार, पांचवा है मुड़िया। तो देखिए, जो बैगा और कमार जनजाति, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है। बाकी जो तीन है, उर्राव, कोरकू और मुड़िया, ये पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 और 4, मतलब कि ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न था, राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या है। तो ऑप्शन था 146, बी 149, सी 85, डी 96। तो राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या है 85, मतलब ऑप्शन सी सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, वन बंधु कल्याण योजना अंतर्गत चयनित विकास खंड है। ऑप्शन है फरसगांव, कोंडागांव, कोंटा, भैरमगढ़। तो ये जो कोंडागांव विकास खंड है, उसको वन बंधु कल्याण योजना अंतर्गत चयनित किया गया है, मतलब ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। तो ऑप्शन ए है अबूझमाड़िया, बी है बिरहोर, सी है गोंड, डी है बैगा। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति है वो है गोंड। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला विशेष पिछड़ी जनजाति, गोंड विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो बाकी तीनों में हमको देखना है, अबूझमाड़िया, बिरहोर, बैगा में। तो सर्वाधिक जनसंख्या है बैगा जनजाति की, मतलब ऑप्शन डी सही है। छठवां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस एक स्थान में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण नहीं है? मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण 6 स्थान में है। तो आपको बताना है कि दिए गए निम्न में से किस स्थान में विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण नहीं है। ऑप्शन ए है अंबिकापुर, बी है बिलासपुर, सी है जसपुर, डी है बीजापुर। तो देखिए, जो अंबिकापुर है वहां है पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, बिलासपुर में है बिरहोर बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जसपुर में है पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण। लेकिन जो बीजापुर है उसमें किसी भी जनजाति, मतलब किसी भी विशेष पिछड़ी जनजाति से संबंधित अभिकरण नहीं है। तो आंसर क्या होगा? छठवां का डी। इसके बाद सातवां प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा किन जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल मान्यता दी गई है? मतलब कि राज्य सरकार द्वारा किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत मान्यता दी गई है? तो पहला है भैना, दूसरा पंडो, तीसरा अगरिया, चौथा माड़िया, पांचवा भुंजिया। तो देखिए, जो दूसरा पंडो और पांचवा भुंजिया, इन दोनों जनजातियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता दी गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2 और 5, ऑप्शन सी 2 और 5, पंडो और भुंजिया। इसके बाद आठवां प्रश्न था, सुमेलित कीजिए, मतलब कि सुमेलित करना था आपको, जोड़ी मिलाना था। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी ओर उस जनजाति से संबंधित विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठ। मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में 9 विकास प्रकोष्ठ हैं। तो देखते हैं, बैगा, तो बैगा जनजाति से संबंधित विकास प्रकोष्ठ है बैकुंठपुर में, पहाड़ी कोरवा से संबंधित विकास प्रकोष्ठ है बलरामपुर में, बिरहोर जनजाति से संबंधित विकास प्रकोष्ठ है धरमजयगढ़ में, कमार जनजाति से संबंधित विकास प्रकोष्ठ है महासमुंद में।
तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, सी ए डी बी, मतलब कि ऑप्शन बी। अब नवा प्रश्न देखते हैं। बैगा जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है कैमूर पर्वत श्रेणी, सामरीपाट प्रदेश, मैकल पर्वत श्रेणी, अलवका की पहाड़ी। तो देखिए बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? मैकल पर्वत श्रेणी में, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दसवां प्रश्न है, राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है बिरहोर, अबुझमाड़िया, बैगा और कमार। तो देखिए चारों जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन जो अबुझमाड़िया जनजाति है वो बहुत ही अधिक पिछड़ी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अबुझमाड़िया। ग्यारहवां प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बैगा जनजाति, इसके सामने दिया हुआ है बेवार, जो कि बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। बी है अबुझमाड़िया, सामने दिया है पेद्दा, जो कि इनके द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। फिर है कमार, कमार के आगे दिया हुआ है धारिया, जो कि गलत है। कमार द्वारा जो कृषि की जाती है वो है दाहिया। उसके बाद डी है कोरवा, कोरवा के सामने दिया हुआ है देवारी, देवारी इनके द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, सी, जो कि गलत है, लेकिन जो सुमेलित नहीं है उसको पूछा है, तो हमारा आंसर सी होगा। जो धारिया है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। बारहवां है, किस जनजाति समूह में मयारी नामक पंचायत व्यवस्था है? ऑप्शन सुनिए, कंवर, बी बैगा, सी सॉरी ऑप्शन ए है कंवर, बी है कोरवा, सी है बैगा, डी है उर्राव। तो जो मयारी नामक जो पंचायत व्यवस्था है वो कोरवा जनजाति से संबंधित है, मतलब ऑप्शन बी सही है। तेरहवां प्रश्न है, गोंड जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है? बताना था आपको कि गोंड जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है। ऑप्शन है 42, 41, 43, 40। तो ये जो है 41 उपजातियों में विभक्त है, तो आंसर क्या होगा, बी। चौदहवां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, मतलब आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। यहाँ जो है थोड़ा सा लिखते टाइम मेरा जो पेन है उसने धोखा दे दिया था, इस कारण थोड़ी सी काटापिटी हो गई थी। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड, जो कि सही है। बी है आर्थिक दृष्टि से विकसित हलवा, ये भी सही है। सी है सबसे साक्षर जनजाति कंवर, ये गलत है, सबसे साक्षर जनजाति है उर्राव जनजाति। उसके बाद है डी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया, सही है ये भी। तो जो चौदहवां का जो हमारा जो आंसर होगा, जो मतलब सुमेलित नहीं है, जो गलत जुड़ी है वो है सी। उसके बाद पंद्रहवां क्वेश्चन है, कौन सा सॉरी पंद्रहवां क्वेश्चन है, कोस्मा क्या है? बताना है कि कोस्मा क्या है। ऑप्शन ए है वस्त्र, बी कृषि पद्धति, सी पर्व, डी पेय। तो जो कोस्मा है उर्राव जनजाति का एक पेय है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। सोलहवां प्रश्न है, गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है। हमने देखा कि गोंड जनजाति 41 उपजातियों में विभक्त है, तो यहाँ नीचे कुछ जनजातियां दी हुई है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है। तो देखिए मुड़िया जनजाति, ये गोंड जनजाति की उपजाति है। उसके बाद भतरा, ये नहीं है। दोरला है, हलवा नहीं है, कोल नहीं है। तो जो नहीं है वो पूछा है, तो जो भतरा, हलवा, कोल, मतलब कि 2, 4, 5, ये हमारा आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, किस जनजाति का जातीय चिन्ह तीर है? ऑप्शन सुनिए, बिझवार, कंवर, मुड़िया, गोंड। तो जो बिझवार जनजाति है उनका जातीय चिन्ह तीर है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, इनमें तीर विवाह भी प्रचलित है। 18वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, मतलब कि आपको जोड़ी मिलाना था। तो देखते हैं हम कमार, तो कमार जनजाति लौह शिल्प कला सेवक, तो कमार जनजाति का जो कार्य है वो है बांस शिल्प, मतलब कि एक का क्या होगा, सी। उसके बाद कंवर जनजाति, इनके द्वारा जो पारंपरिक कार्य किया जाता था वो क्या था, क्या है, सैन्य कार्य, मतलब कि दो का है डी। उसके बाद है भतरा, इनके द्वारा सेवक का कार्य किया जाता है, तो इसका है बी। उसके बाद अगरिया,
जो कि लौह शिल्प कला में माहिर होते हैं, तो इसका होगा ए। तो हमारा आंसर होगा सी डी बी ए, मतलब कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। 19वां प्रश्न है, निम्न में क्या सही नहीं है, बताना है आपको। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है, बैगा गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, तो ये सही है। बी, गोंड स्वयं को मेटाभूम कहते हैं, ये गलत है क्योंकि गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं। सी, अबुज माड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है, सही है। डी, उर्राव जनजाति की प्रमुख बोली कुरुक है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी। तो ये हमारा आंसर होगा, जो सही नहीं है उसको पूछा था, तो वो हमारा आंसर होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है, बैगा व कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति है, मतलब कि बैगा और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कंध, बी है नगेसिया, सी है भैना, डी है भारिया। तो कौन है ये? भैना, मतलब कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन है कोरवा, बी है गोंड, सी है कमार, डी है कोरकू। तो देखिए, सिडोली प्रथा जो कि एक मृतक संस्कार है और ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है, मतलब कि ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद 22वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सुनिए, ए 338, मैंने जितने भी लिखे हैं ये अनुच्छेद है, मैंने अनुच्छेद नहीं लिखा, तो लगाइएगा आप। तो अनुच्छेद 338 का अनुच्छेद बी है, अनुच्छेद 164 घ, उसके बाद सी है अनुच्छेद 342, डी है अनुच्छेद 332। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 338 क, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, कौन सी एक वेरियर एल्विन की रचना नहीं है, वेरियर एल्विन जिन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी थी, तो आपको बताना है कि कौन सी एक रचना वेरियर एल्विन द्वारा नहीं रची गई है। तो ऑप्शन ए है द बैगाज, बी है द गौर, सी है द अगरिया, डी है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। तो ये जो डी है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये वेरियर एल्विन ने नहीं लिखी थी, ये लिखा था जॉर्ज ग्रियरसन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जो नहीं है वो पूछा था। इसके बाद 24वां प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध किस जनजाति से है, तो ऑप्शन है कंवर जनजाति, बी बिंझवार, सी गोंड, डी कमार। तो इनका संबंध था बिंझवार जनजाति से, वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से थे, याद रखेंगे। उसके बाद 25वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये, द ट्राइबल इकोनॉमी किसकी रचना है, ऑप्शन ए है पीवी नायक, बी एस सी रॉय, डी दयाशंकर नाग, डी श्यामाचरण दुबे। इसका जो सही आंसर है वो है सी दयाशंकर नाग। ये था छत्तीसगढ़ में जनजाति से संबंधित जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे उसका आंसर। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और इसका जो दूसरा भाग है मैं बहुत ही जल्द उसको अपलोड कर दूंगा, जिसे आप सॉल्व करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।